और इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली, आदिवासी आरक्षण में कटौती के खिलाफ ये रैली है। सीएम हाउस का घेराव करने निकली थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पुलिस ने बैरिगेटिंग लगाई, उसको तोड़ा भी है। पुलिस के साथ में, बल के साथ में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। तो आदिवासी आरक्षण इस वक्त प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दलों के साथ बाकी संगठन इसमें जुड़ते जा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज सीएम हाउस तक जाने की कोशिश की, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। झूमा झटकी हुई है जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो बड़ी खबर इस वक्त, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक रैली निकाली आदिवासी आरक्षण प्रतिशत में कटौती के खिलाफ, और सीएम हाउस की तरफ कूच किया। लेकिन इसके पहले पुलिस ने रोका बैरिकेडिंग लगाकर, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया तो झूमा झटकी की स्थिति बनी पुलिस के साथ। सीएम हाउस घेराव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकली थी और तभी ये झूमा झटकी के हालात बने हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जाने से रोका और तभी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की और स्थिति संभालने को लेकर पुलिस भी इसमें मुस्तैद नजर आई है। आदिवासी आरक्षण में कटौती के खिलाफ इस रैली को निकाला गया। सीएम हाउस तक पहुंचने की, घेराव करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की थी, पुलिस ने भी बैरिकेडिंग पहले से लगा रखी थी और वहीं पुलिस के साथ में झड़प हुई है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। राजेश राज सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। राजेश, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रैली की तस्वीरें हैं, क्या हो रहा है वहां इस वक्त, क्या हालात है? देखिए, अभी भी पुलिस के साथ जो विवाद है, झगड़ा, रस्साकसी की स्थिति है, वो बनी हुई है। एक्चुअली एक दिन का इनका प्रदर्शन था, आदिवासी के आरक्षण में जो कटौती हुई है उसको लेकर के नाराजगी थी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले प्रदेश के करीब 1000 से ज्यादा आदिवासी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इन्होंने दिन भर सभा की, उसके बाद अभी ये रैली निकाले थे, ये सीएम हाउस का घेराव करने निकलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बैरिकेड करके दुश्याम टॉकी के वहां पास रोका था। लेकिन इनकी रैली बहुत जबरदस्त थी, लोग आक्रोशित थे, पूरी जो मजबूत बैरिकेडिंग थी 3 लेयर की उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत लोगों को चोटें आई है, कई पुलिस वालों को भी चोट आई है, लेकिन इन लोगों ने ताकत दिखाते हुए वो बैरिकेड को तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने फिर से व्यवस्था संभाली, फिर से बैरिकेड को लगाया गया है और उनके जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने बैरिकेड नहीं तोड़ा है, हम सिर्फ जाना चाह रहे थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे मुख्यमंत्री को, लेकिन पुलिस ने रोका, इसलिए लोगों के आक्रोश के आगे वो टिक नहीं पाए। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी है, अभी भी हजारों की संख्या में हजारों आदिवासी यहाँ पे मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि व्यवस्था फिर से रिज्यूम की है, बैरिकेड को फिर से बनाया है और उन सभी आदिवासियों को बैरिकेड के दूसरी तरफ किया जा रहा है। जी, नजर बनाए रखे, आपसे वापस अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस के साथ में संघर्ष की नौबत बनी है जब आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकली रैली निकालते हुए, सीएम हाउस की तरफ जा रही थी और तभी हालात बने हुए हैं।